जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित राजीव गांधी विद्या भवन में विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ कार्यशाला में बालकों और किशोरों के मामलों में जांच करने और प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक थाने के विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारियों को उपयोगी कानूनी जानकारियां दी गई प्रथम सत्र में सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरि सिंह असनानी ने कार्यशाला की आवश्यकता और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व अभिषेक द्वारा बाल संप्रेषण समस्याओं और समाधान रुचि मौर्य द्वारा नारीशाला समस्या और समाधान मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र पालीवाल द्वारा बाल मनोवृत्ति पर व्याख्यान दिए गए दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता अरविंद भट्ट द्वारा कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज एंड चाइल्ड ईगो पर व्याख्यान दिए गए की मानसिकता बदल रही है इसी के लिए किशोर न्याय की बात की जा रही है किशोर न्याय एक्ट में इट में ये कहा गया है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखा जाएगा आज के परिवेश में आज के वातावरण में हम बच्चों को जो दे रहे हैं उससे बच्चे संगति के कारण विधि के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठते हैं तो यदि हम जीवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों की मंशा की भावना को ध्यान में रखेंगे तो हम वास्तव में उनके साथ न्याय कर पाएंगे उनको समझाएंगे उनकी केयर करेंगे उनको देखभाल करेंगे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे पुलिसियाारोप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पुलिस को भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए और व्यवहार करना पड़ेगा you, माता पिता और शिक्षकों क्या? और शिक्षकों की पूरी भूमिका है माता पिता का तो ये है कि उन्हें इस उम्र के बच्चों के साथ में विशेष रूप से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कैसी संगति कर रहा है कहाँ उठ रहा है कहाँ बैठ रहा है उसका उसकी दैनिक चर्याएँ किस प्रकार की हैं कहीं उसकी संगति तो खराब नहीं हो गई है कहीं उसके व्यवहार में परिवर्तन तो नहीं आ गया है इन सब बातों का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए माता पिता किन्हीं भी कारणों से अपनी व्यस्तता के कारण या और किसी कारण से यदि बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं उपेक्षित करते हैं तो वो बुरी संगति में फंस जाता है और विधि के विरुद्ध कार्य को कर बैठता है किशोर न्याय बोर्ड के अंदर जो पुलिस अधिकारी बच्चों के साथ डील करते हैं या विभिन्न थानों में जो पुलिस अधिकारी बच्चों के साथ डील करते हैं उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में है और उसी के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री हरी सिंह जी असनानी साहब जोधपुर से पधार हुए कम्युनिकेशन स्किल के एक्सपर्ट श्री भट्ट साहब और सी साहब द्वारा इन्हें विभिन्न कानूनी जानकारियाँ दी गई है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं